आए उस पर चलने का नाम ही धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया है भक्तों, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। तो बोले प्रभु यहां सत्संग चल रहा हूं, वहां में नहीं जाना चाहिए। यमराज कहने लगा, महाराज वहां भगवान नारायण का नाम लेवा हुआ, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। बोले प्रभु ये बात आपने ठीक बताई, अब ये बताओ महाराज कि यहां भागवत हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां में नहीं जाना चाहिए। बोले भागवत में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। बोले ये बताओ महाराज, क्या भागवत सुनने के लिए सभी व्यक्ति आते हैं? बोले जब भागवत प्रांगण में आके बैठ गए तो सारे भक्त भागवत सुनेंगे ही। तो बोले महाराज कछु ऐसे भी आते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, मैंने घर पे बच्चा खिलाने पड़े, बहु बच्चा पकड़ा दे, घर में बाल बाल को खिलाए भी थे तो आए कि वो ऐसे काम करे, पान डाल में आ जाए और पत्नी को सहारा दे के और सिर लगाने महाराज घर आके भरना प्रारंभ कर दे। एक भगत जी थे, वो अपने नाती पोताओं से बड़े परेशान थे, जीवन में कभी दाम का नाम लियो ना हो। महाराज पान डाल में आ गए, बल्ली देगी सिर लगाया सो गए महाराज, पूरे दिन भर रात ऐसे चलते रहे भगत जी के। भागवत पूरी है गई, आरती है गई, प्रसाद बाटे बारो प्रसाद लेके गयो और चिन्नामृत बारो गयो, भैया चिन्नामृत लिया उसने चरणामृत और उस भगत जी के सोते हुए मोह में डाल दिया। भगत जी ने जीव निकाल लिए, बड़े प्यार से मौते चाटे, बोले आनंद आयो, भागवत बड़ी मीठी है। ये घर पे पहुंचे जाके नाती पोता पूछने लगे, बोले बाबा भागवत सुने आए? बोले सुने आए बेटा। बोले बाबा भागवत कैसी है? बोले बड़ा भाई मीठी भागवत है यार। दूसरे दिन भगत जी फिर पहुंच गए, भागवत पूरी है गई, फिर वो तो सूर्य मुकाम जाके फिर घर आते भरे बोले भरे महाराज बोलना पड़ेगा। बोले राधे और भगत जी जाके फिर सो गए। अब बाद में चरणामृत तो है वो खत्म, और महाराज चरणामृत खत्म है वो, अब डीओ जी साहब आए। डीओ जी जाने, डीओ जी किसे गए? डीओ जी डो डो वाले डीओ जी महाराज आए और भगत जी पर बल्ली से सिर लगा के सोरे। डीओ जी महाराज ने टांग उठाई और सारो चरणामृत वाके मोड़ हिलो बोलना पड़ेगा। बोले राधे और महाराज जाके दूसरे दिन नाती पोता पूछने लगे, बोले बेटा आज भी भागवत अच्छी ना भाई। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, के काऊ सो लड़ मरे और के जाके सो ठाकुरी कृपा। भैया बात बनाए भी जब नंबर आ जाए तो समझ व्यास जी महाराज के बाद में हम ही है। तो भक्तों घर में सोना से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है कि आगे पांडाल में भीड़ भरा दे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भक्तों उसका भी उद्धार हो जाएगा। गुरु राम च लघो राम च गुरु नीच लघो नीच, किसी वाले से नींद भी आ जाए पर भागवत में एक नियम होता है भक्तों, नींद नहीं आती है। बोले क्यों? ये निद्रा देवी कौन है? ये कुंभकर्ण महाराज की पत्नी है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो मारा युद्ध में कुंभकर्ण महाराज मारे गए, निद्रा देवी आई और आकर के कहने लगी राम जी महाराज से, बोले मैं बदला लेकर के मानूंगी। राम जी बोले कैसे लूंगी बदला? बोले जब मैं भजन नहीं करने दूंगी किसी को, मैं आलस में डाल दूंगी जाके सो जाएगा, भजन नहीं करेगा तो भला सब नरक में जाएंगे और सब इतने भी जाएंगे
तो हमारे कुलों में पैदा आए जाएंगे, तो महाराज हमारा वंश चकाचक बढ़ जाएगा महाराज। लेकिन भगवान राम जी भी कहने लगे, बोले देवी भागवत में जो आएंगे, जो व्यक्ति एक बार बोल लेगा राधे, तो बाकी सारे पाप उतर के दूर भग जाएंगे। तो श्री आज अजामिल जी महाराज प्रभु के धाम को गए, प्रभु के परिषद आए, और अजामिल जी महाराज बोले जा करके, अजामिल जी महाराज का उद्धार हो गया। बोली भक्तों से भगवान की, आज श्री बारह भागवतों के बारे में बताया है सुखदेव जी महाराज ने। स्वयंभो नारद संभो कुमार कपिलो मनो पहला दो जान के विश्वो पनीर व्यास की वयम। ये बारह भागवत शंभु स्वयंभु नारद कपिल संत कुमार स्वयं मनु महाराज पहला जनक जी विष्णु पितामह बलि महाराज सुखदेव जी धर्मराज व्रतासुर की कथा का वर्णन बताया। आज महाराज उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे, हिरण्याक्ष का वध तो प्रभु ने कर दिया जब पृथ्वी का सृजन किया, तो उसी समय हिरण्याक्ष का वध हो गया हमारा। तो ये कश्यप के बड़ी बेटे हिरण्याकश्यप के, बड़ा पापी था महाराज, कह दिया डंका पिटवा दिया पूरे क्षेत्र में, जहां कहीं भी यज्ञ हो बिल्कुल बंद करा दो महाराज, नारायण का यहां नाम लिवे वहां बिल्कुल बंद करा दीजिएगा, केवल यज्ञ हो तो हिरण्याकश्यप महाराज आए नमः स्वाहा, ऐसे करके यज्ञ कर दिया महाराज। यहाँ संत एकत्रित बैठे भगा दो बिल्कुल, संतों का सम्मान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होना चाहिए। और महाराज जब जब पापी बढ़ जाते हैं तो गोविंद अवश्य आता है। आज भक्तों हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु, और उनके चार पुत्र थे। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बोले देवी मैं तपस्या करने के लिए मैं ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं, ब्रह्मा जी प्रकट होकर मेरे लिए वरदान देंगे, और जब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना